अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और अभी मैं मौजूद हूँ साईटेक के सामने न्यू खोबर कॉर्निस पर। मौसम बहुत ही जबरदस्त हो रहा है, थोड़ी लाइट की जो है प्रॉब्लम है, इसलिए आपको जो है एडजस्ट करना पड़ेगा ये, क्योंकि अभी इधर जहाँ पे मैं मौजूद हूँ वहाँ पे जो है लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम है। और मैं जो अभी बिल्कुल मौजूद हूँ वो हूँ पब्लिक एरिया में, और अभी टाइम हो चुका है रात के 8:30। ब्लॉग हमारा लेट हो रहा है, लेकिन हमने जो है ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था 4:30 बजे को खोबर में एम्पायर फलाफल से। वहाँ से क्या क्या लिया वो मैं अभी कुछ देर में दिखा दूंगा, लेकिन दिखाने से पहले जो है मैं सोच रहा हूँ अभी जो है न्यू खोबर कॉर्निस की आखिर साइड में जाए, जहाँ की आई लव खोबर का जो है लोगो लग रहा है न्यू खोबर कॉर्निस पे। वहाँ तक पहुँचे या नहीं पहुँचे अभी कुछ पता नहीं, क्योंकि अभी फोन भी आ जाएगा, क्योंकि अभी 2-3 घंटे को उधर बैठे हुए और गाड़ी जो पार्क करके आया हूँ इसी वजह से 1 किलोमीटर पीछे करके आया हूँ एंतर कॉफी शॉप के सामने, वहाँ पे भी काम है मुझे। सबसे पहले इधर चलते हैं, अगर फोन नहीं आया तो वहाँ तक चलेंगे, अगर फोन आ गया तो रिटर्न चलेंगे अंतर पे। और मैं दिखा दूँ यहाँ का सीन क्या माहौल बना हुआ है अभी न्यू खोबर कॉर्निस पे। और क्या है कि इस लेक को पार करके और न्यू खोबर कॉर्निस पॉइंट पहुंचने से पहले जो है अपनी आ गई है कॉल, तो अभी मुझे जाना है वापस। और ये जो है काट, इसमें जबरदस्त मजा है भाई, ऊपर चढ़ो और चारों तरफ का ब्लॉग बनाओ, फिर जो है एंजॉय हो जाएगा, मजा आ जाएगा भाई इस पे ब्लॉग करने पर। तो सोच रहा हूँ किसी दिन इंशाल्लाह इस पर जो है बैठ के जो है इसकी सवारी भी करें और यहाँ का ब्लॉग भी बनाए, बड़ा ही जबरदस्त माहौल दिखेगा चारों तरफ का। तो मैं इसलिए लौट आया हूँ क्योंकि अभी जो है मेरा फोन आ गया है, मुझे जाना है अभी एंटर कॉफी शॉप पे। और मेरा गलत ठीक होने के बाद जो है काफी दिन भी हो गए हैं कि मैंगो आइसक्रीम नहीं खाई है, तो आज उसको भी ट्राई करेंगे। तो अभी यहाँ से जो है जल्दी चलते हैं एंटर कॉफी शॉप पे और वहाँ से लेते हैं मैंगो आइसक्रीम।
तो अभी जो है आइसक्रीम वगैरह भी खाली है और यहाँ पे जो है टाइम हो गया अभी रात के 10, तो टाइम भी काफी हो चुका ऑलमोस्ट। तो अभी प्लान है कि अब जो है दमाम कॉर्निस के लिए निकला जाए क्योंकि यहाँ पे भी काफी टाइम हो गया और फिर दमाम कॉर्निस पे भी थोड़ी देर बैठना पड़ेगा, आधा एक घंटा तो लग ही जाएगा। तो वो ही लगभग रूम पे पहुंचते पहुंचते जो है 12 बज जाएंगे और फिर जो है सुबह को फिर निकलना होगा। तो यही डेली का रूटीन है अपना, तो बस क्या करें। तो यहाँ से जल्दी से चलते हैं गाड़ी की तरफ और पैक वूक करके निकलते हैं फिर दमाम कॉर्निस के लिए इंशाल्लाह। One hour later. तो गाइस खोबर कॉर्निस से मैं आ गया हूँ अभी दमाम में और अभी जा रहा हूँ अभी अपने रूम पर और टाइम जो ऑलमोस्ट अभी 11:30 बज चुके हैं, तो टाइम भी काफी हो चुका है और सुबह की आई थिंक मेरी ड्यूटी मुस्तस्फर की, तो वहाँ पे भी जाना है। तो इसलिए तो आज के इस वाले ब्लॉग को जो है हम करते हैं यहीं पे समाप्त अपने प्यारे से सफर पर। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर हम अपने एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़ और अल्लाह।